जबरदस्त भूकंप, हजारों लोगों की मौत, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान। मैसिव अर्थक्वेक हिट जापान, अबाउट 400 पीपल आर डेड एंड 500 मिसिंग, हेवी लॉस ऑफ नेशनल प्रॉपर्टी। आज सुबह लगभग 5 बजे जापान का टोक्यो शहर जबरदस्त भूकंप के कारण तबाह हो गया है। कितनी ही इमारतें जमीन में धस गई हैं, हजारों लोग मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। हमारा काम था तुमको सच्चाई बताना। ये लोग तो हमको मुंबई के पुलिस थाने में फंसाइए दिया था। मोदी आज न्यूज चैनल पर लगा रहा हूँ। निठल्ला, नकारा और बुद्धिहीन बना डालने वाले चैनलों को मनोरंजन चैनल समझना पता नहीं कब छोड़ोगी तुम। 51 पर लगाओ, न्यूज चैनल 50 के बाद ही है। सारे नाश कर दिया सीरियल का। सुन रही हो? जापान में हुआ? घर में तीन तीन अखबार आते हैं, दो हिंदी के और एक अंग्रेजी का। तीनों चीख चीख कर सुबह से यह समाचार सुना रही है, लेकिन आप है कि चीख चीख कर सुना रही है, मुझे तो एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। सुबह से शाम तक मनोरंजन में डूबे रहने वाले लोगों को, दर्द में डूबे लोगों की चीखे सुनाई नहीं देती। रमा जी, कैसी बातें करते हैं? ठीक कह रहा हूँ, इतने मोटे मोटे अक्षरों में हेड न्यूज छपी है सभी अखबारों में। आंख उठाकर कभी देखती हो अखबार की ओर? घर के काम काज से फुर्सत मिले तभी तो कोई अखबार देख के पढ़े। ठीक कहती हो, उल्टे सीधे सीरियल्स तो तुम्हें जैसे घर के काम करते करते देखती रहती हो। बस काम काज में चाहे जितना घटे, मनोरंजन के आसपास ना फटक जाए घर की औरत। रमा रमा, तुम मेरी बातों को गलत समझ रही हो। मेरे कहने का मतलब है कि ना तो घर के काम काज में और ना ही अपने मनोरंजन में हमें इस कदर डूब जाना चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द देख ही ना पाए। I am sorry. जापान में आज सुबह सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए। सैकड़ों लोग लापता है, जान और माल दोनों को नुकसान हुआ है। माना कि जापान एक दूसरा देश है, लेकिन है तो सब मनुष्य ही। ठीक कहते हो, मुझे अपने मनोरंजन तक ही कभी भी सीमित नहीं रहना चाहिए था। सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सभी को।